एक सड़क के बारे में स्पेसिफिकली मैं डिटेल शेयर करना चाहूंगी और वो है न्यू रोहतक रोड। न्यू रोहतक रोड जो टिकरी बॉर्डर जाती है नांगलोई मेट्रो स्टेशन से मुंडका होते हुए, वो शायद आज के दिन में दिल्ली की सबसे खराब हालत में सड़क है। उसका रीजन ये है कि न्यू रोहतक रोड के इंटीरियर में बहुत सारी अनऑथराइज कॉलोनीज भी हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत बढ़ी है। सो ओवर टाइम जो वहाँ से पानी निकल कर आता है उसको अकोमोडेट करने के लिए न्यू रोहतक रोड का जो ड्रेन है उसकी कैपेसिटी कम पड़ रही है। दूसरा, इस साल मानसून में तकरीबन नॉर्मल से 2 गुना बारिश हुई है। नॉर्मली मानसून में दिल्ली में 600 mm बारिश होती है, इस बार 1000 mm से भी ज़्यादा बारिश हुई। तो इसको ध्यान में रखते हुए न्यू रोहतक रोड पे एक नया ड्रेन PWD द्वारा बनाया जा रहा है। ये ड्रेन नांगलोई मेट्रो स्टेशन से टिकरी बॉर्डर तक होगा। ये 2 पार्ट्स में होगा। नांगलोई मेट्रो स्टेशन से ड्रेन का एक हिस्सा हिरनकुदना ड्रेन में जाएगा और दूसरी तरफ से टिकरी बॉर्डर से ड्रेन का दूसरा हिस्सा भी हिरनकुदना ड्रेन में आएगा। ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है कि आने वाले समय में न्यू रोहतक रोड पे पानी ना आए और उसकी वजह से सड़क खराब ना हो। इसके लिए 183 करोड़ रुपीस का सैंक्शन PWD ने दिया है फ्राइडे को एक एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में। तो 4 हफ्ते के अंदर अंदर इस ड्रेन पर भी काम शुरू हो जाएगा एंड इन पैरेलल न्यू रोहतक रोड की भी रीलेइंग का काम, जहां जहां गड्ढे हैं, जहां पे भी पूरे पैचेस करने हैं, जहां पे कॉन्क्रीटिंग करनी है, उसका काम होगा। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP? Or Bhupinder Singh Hooda from Congress? We'll turn the tables this time. Haryana में मौजूद हैं हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.